नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक्निकल टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, आज हम GST के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि 1 जुलाई 2017 से GST लागू हो जाएगा, तो GST के बारे में आप सबको जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हमने बहुत ही शॉर्ट में GST को समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी यह जानकारी पहुँच सके। और हमारे चैनल टेक्निकल टिप्स एंड ट्रिक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। GST का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। यह एक तरीके से वैट की तरह ही होता है। दोस्तों, टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो GST भी एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स ही है। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे सबको खत्म करके अब सिर्फ एक टैक्स GST लगेगा। GST लागू होने से काफ़ी चीज़ें सस्ती और कुछ चीज़ें महंगी, जैसे AC होटल, मोबाइल प्राइस, मोबाइल बिल, तंबाकू के प्रोडक्ट इत्यादि महंगे हो जाएंगे। दोस्तों, GST लागू होने से टैक्स में काफ़ी पारदर्शिता आएगी और इससे टैक्स की चोरी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, जिससे सरकार को भी काफ़ी फायदा होगा। और जब सरकार को फायदा होगा तो उन पैसों से विकास कार्यों में लगाएगी। सीधे सीधे हमें यही समझना है कि जो अलग अलग और कई प्रकार के सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स लगते थे उनसे अब हमें निजात मिल जाएगी और हमें सिर्फ एक ही टैक्स देना पड़ेगा, वो और वो है GST। दोस्तों, GST बहुत ही सारे देशों में बहुत पहले से ही लागू हो चुका है, यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसे देशों में भी GST लागू है। और अब मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो आप सीधे यानी डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते हैं, जैसे इनकम टैक्स, हाउस टैक्स इत्यादि। और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो आप डायरेक्ट नहीं पे करते, यानी यह टैक्स पहले से ही वस्तुओं और सेवाओं में लगकर आता है, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट, एक्साइज टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, लग्जरी टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स इत्यादि। दोस्तों, इन्हीं सारे इनडायरेक्ट टैक्स को ख़त्म करके अब सिर्फ एक टैक्स बनाया गया है, जिसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जहां GST से अनेकों फ़ायदे हैं, वहीं कुछ डिसएडवांटेज भी GST के देखने को मिलते हैं। जैसे छोटे छोटे उद्योगों पर हाईएस्ट टैक्स बर्डन बढ़ेगा, यानी जो छोटे SMEs हैं उनके ऊपर टैक्स बर्डन बढ़ेगा। इसके अलावा बहुत ही सारी बिजनेस में जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है उनमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे और टैक्स रिटर्न फाइल का सॉफ्टवेयर भी चेंज करना पड़ेगा। शुरुआत में कुछ सामानों का प्राइस काफ़ी बढ़ जाएंगे, लेकिन GST का लॉन्ग टाइम इम्प्लीमेंट काफ़ी अच्छा होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारी यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे